तो चलिए ऐसे भी दोपहर के 11 बजने वाले हैं और हम लोग अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं इसी को कटहल को बना रहे हैं। लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम पापा कटहल बना रहे हैं। दोस्तों कटहल भी डाल दिए और आलू भी डाल दिए, अब दोनों को साथ मतलब भूनते हैं। चलिए अब पूरा तिरपाल भी भिज गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो आराम से हम लोड कर देंगे। तो टेंशन रहता था गाड़ी में पैसा है तो इधर छिपा रखो उधर छिपा, तो एरिया ठीक नहीं है, अभी पार नहीं करना है। जब सेठ जी यहाँ पहुँच जाते थे तो सेठ जी लोग तसल्ली, हाँ भाई पहुँच गया ड्राइवर मेरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए लोगों आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों सुबह का भी 10 बज रहा है और हम लोग आ चुके हैं फैक्ट्री के पास में। तो इंडस्ट्री एरिया है, छोटा सा इंडस्ट्री एरिया है, मेरा गाड़ी भी सामने लगा हुआ फैक्ट्री के पास में। तो अपना माल तो रांची का हो रहा है तो यहाँ से हम रांची जाना भर करके, और यहाँ से भी दो रास्ता जाता है, रायगढ़ होकर भी जा सकते हैं या फिर समरपुर होकर भी जा सकते हैं। लोड होने के बाद ही क्लियर करेंगे, देखेंगे जिधर से वो शॉर्ट पड़ेगा उधर से ही जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सफर जो है सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, 5 बजे वहाँ चले थे होटल से, यहाँ आते आते करीब 8:30 बज गया था। तो अपना बाबू लोग उसमें आए नहीं थे तो हम लोग भी अपना गाड़ी पे चाय नाश्ता वगैरह करके इंतजार कर ही रहे थे, तो शाम तक गाड़ी अपन निकल जाएगा यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, ऐसे भी जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर है वो हम लोग को बोले थे सेकंड टाइम के बाद ही हमारा गाड़ी लोड होगा। तो चलिए ऐसे भी दोपहर के 11 बजने वाले हैं और हम लोग अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, बहुत दिन से खाना भी नहीं बना गाड़ी में। तो ये जो कटहल हम लोग को मिला था जो सब्सक्राइबर भाई हम लोग को दिए थे, कहाँ पे दिए थे, कुनकुरी में दिए थे, और आलू भी दिए थे साथ में वो भी है। तो अभी जा रहे इसी को कटहल को बना रहे हैं, लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम पापा कटहल बना रहे हैं, इससे पहले आज तक कभी नहीं बनाया। तो अभी वीडियो देखे यूट्यूब में थोड़ा, तो उसको काटने का तरीका भी सीखे है, अभी जा रहे हैं बनाने का तरीका सीखेंगे ना। ऐसे कटहल तो घर में बहुत खाए है, काटते उठते भी देखे है, तो लोग क्या उसको हंसुआ बोलते हैं हम लोग वहाँ, तो मेरे पास तो हंसुआ वगैरह है नहीं, इसी से है, इसी से काट पीट करते हैं। अभी इसको उबालना भी गर्म पानी में, तब जाकर कहिए हल्का सा सीझेगा, तब बोला था कि हाँ तो पहले कुछ तेल उल लगा के काटिएगा, लगाएंगे तेल पर सीझाने दे। कटिंग करने टाइम बोला था लगाने हाथ में, इसका जो दूध रहता है लग जाएगा, कोई बात नहीं अभी धो लेंगे, अभी इसका उबालना है, इसको इसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा जो है तब वो छील के बाहर निकलेगा। दोस्तों अभी कटहल को चढ़ा दिए सीझने के लिए, अब जा रहे हैं आलू प्याज ये सब कुछ कटिंग करते हैं। दोस्तों अभी देखिए अच्छे से उबाल के निकाल लिए कटहल, और इधर आलू भी उबाल लिए थे हम लोग, और इधर भी सब कुछ कटिंग हो गया, प्याज मिर्चा और ये लहसुन, और इसको अभी पापा जा रहे काटने के लिए। दोस्तों जैसा हम देखे थे कि पहले इसको उबालना पड़ता तो उबाल दिए हैं, अब जा रहे इसको कटिंग करने के लिए। कटिंग करने के बाद फिर हम अपना भी जो दिमाग है मेरा, हम अपना दिमाग से ही बनाएंगे। तो अब जा रहे ये सब कटिंग वटिंग करके, तब तक मेरा चावल चढ़ जाएगा, चावल भी बनेगा, समय का बचत भी हो जाएगा। दोस्तों अभी हम चावल को चढ़ा दिए है, अब इसको ढक देते हैं, अभी अपना बनेगा 10 मिनट में, और इधर पापा कटिंग करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छे से उबल गया था, देखिए अच्छे से छिल भी जा रहा है ना, पूरा सीज गया, अभी पूरा सीज गया है, खाली भूंजना भाजना बाकी, इसको ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं दिख रहा है। अपने कुछ कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे, अपना भी दिमाग से बनाएंगे, बनेगा तो सेम ही, दिमाग अलग से कैसे, इसमें कुछ और डाल दीजिएगा, डालना नहीं है कुछ, मतलब आप कुछ जैसे आदमी लोग किताब पढ़ के बनाता है, कुछ अपने भी दिमाग लगाता है, तो उसे हम भी खाए तो बहुत है घर पे, लेकिन बना आज पहली बार रहे गाड़ी में हम, बोले आप क्या अच्छे दिमाग लगाइएगा, लहसुन पहले प्याज में प्याज बाद में ना, यही दिमाग लगाइएगा। चलिए देखिए सब कट गया दोस्तों, इसको बोले देखिए पानी में रख दीजिएगा नहीं तो काला हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा काला भी हो रहा है लेकिन पानी में डाल दिया हम लोग। दोस्तों अभी चावल भी लगभग हो ही गया हमारा, तो अब पापा इधर आएंगे और इनका काम अब स्टार्ट हो जाएगा सब्जी बनाने का, चावल तो बन गया अब इसको साइड कर देंगे। दोस्तों अब हम जा रहे कटहल बनाने के लिए, तो देख सकते कटहल पूरा कट चुका अच्छी तरह से, अब जा रहे इसको तलने के लिए, थोड़ा तल के निकालेंगे, जैसे अब ये जैसे पनीर बनाते हैं उस तरीका में आ गया, पहले तो कटहल तो है ही है लेकिन जैसे हम पनीर बनाते थे ये उस टाइप में बनेगा। अभी ये देखिए मेरा अच्छी तरह से इसको भून के निकालेंगे, पहले पूरा लाल करके हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं हल्का ही सा, और देख सकते हैं मेरा आलू कुछ थोड़ा ज़्यादा है, जबकि कटहल का मात्रा से थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन आलू मेरे पास था बहुत दिन से तो ख़राब हो रहा था, तो हम कहें कि बाहर ख़राब होने से अच्छा है कि पेट में चल जाए, इसके लिए हम ज़्यादा काटवा लिए हैं, अभी अपना मेकअप कर जाएगा, दोनों टाइम भी हो सकता हो जाए अपना। दोस्तों मेरा कटहल जो है मतलब आधा लगभग हम उसको तल चुके हैं, अब जा रहे हैं इसको निकालने के लिए, अब निकालने के बाद इसमें मसाला तैयार करेंगे इसका। दोस्तों तल के तो निकाल लिए कटहल को, अब जा रहे हैं इसका तरी बनाने के लिए, ये देखिए लहसुन डाल रहे हैं, पहले मेरा जो सिस्टम है पहले लहसुन डालने का, तो लहसुन ही लाएगा, लहसुन लाल होने के बाद ही मतलब हम प्याज डालते हैं, ये देखिए थोड़ा सा लाल होगा तब हम प्याज को डाल देंगे इसमें। दोस्तों प्याज भी डाल दिए हैं अभी, और इसको अच्छी तरह से लाल करेंगे, उसके बाद फिर अपना अभी आलू वैसे ही उबाल रखा हुआ, उबाल आलू कुछ नहीं किए हैं, आलू अभी ऐसे, प्याज जब थोड़ा सा तल जाएगा मेरा
तब आलू को इसके साथ में कर लेंगे इसको। दोस्तों गर्मी का तो एहसास इधर होने लगा है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, और हमारे झारखंड एरिया में अभी ठंडा है अभी भी, क्योंकि हमारे कुछ साथी मित्र है अभी झारखंड क्रॉस किए, वो लोग वो बोले यार उधर तो बहुत अच्छा था उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में, इधर तो आए तो बहुत ठंडा लग रहा है। हम हाँ उधर ठंडा है उधर, तो उस एरिया में है अभी, तो हम लोग भी जाने वाले उधर, तो फिर ठंडा तो हम लोग को भी लगेगा ही। तो चलिए ठीक है, अब समय चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रहा है, जिसको पतझड़ भी बोलते हैं, पतझड़ का भी समय आ रहा है अभी। दोस्तों कटहल भी डाल दिए और आलू भी डाल दिए, अब दोनों को साथ में थोड़ा भूनते हैं, उसके बाद इसको मसाला डाल के फिर भूनेंगे इसको। ये देखिए आलू थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखे हैं। दोस्तों मसाला डाल दिए हैं, अब जा रहे थोड़ा पानी डाल करके दोनों को अच्छी तरह से भूनेंगे, मिलाना भी अच्छी तरह एकदम। ये देखिए अच्छी तरह से मिला देते हैं पूरा मसाला, कटहल आलू प्याज लहसुन जितना वैरायटी था मेरा सब एक साथ मिल जाएगा। दोस्तों मेरा खाना बन चुका है, ये देखिए सब्जी आलू कटहल पूरा तरी के साथ। दोस्तों वाकई में कटहल बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन खाने में भी टेस्ट भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आलू गोभी मटर बहुत खाए, अब आ गया कटहल का सीजन, कटहल सीम ये सब आ गया, तो अब यही सब कटहल वगैरह बनेगा, आप लोग बनाकर ट्राई कीजिए, खाइए घर पे, कटर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी छोटा कटर है तो अच्छा लगेगा, बड़ा होने के बाद तो फिर मजा नहीं आता है, अभी यही मजा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं, बहुत ही टेस्टदार बना है। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और खाना खा के हम लोग बस बैठे ही हुए थे, तो अभी ऑर्डर आ गया है गाड़ी लगाने के लिए, तो बैग में गाड़ी घुसाना पड़ेगा। तो देखिये गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब जाके साइड बताते हैं। दोस्तों अभी गाड़ी तो अंदर लेके आ गए हैं और खोल भी दिए दरवाजा, अब तिरपाल बिछा रहे क्योंकि ये कार्टून वाला माल है, थोड़ा खराब ना हो जाए इसके लिए तिरपाल बिछा ले रहे हैं। चलिए अब पूरा तिरपाल भी बिछ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आराम से अनलोड कर देंगे। दोस्तों माल तो रेडी हो गया मेरा, अब माल रेडी होने के बाद ही तिरपाल वगैरह सब गाड़ी लगवाता है, तिरपाल बिछाता है, और खाने पीने वाला चीज में क्या तिरपाल बिछाना पड़ता है, पाइप कुछ रहे तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या उसमें रहेगा तो तिरपाल मेरा फटके बर्बाद हो जाएगा। कार्टून वाला माल है, देखते हैं कितना टाइम लगाता है, बोल तो रहा है जल्दी हो जाएगा। दोस्तों गाड़ी तो मेरा पॉइंट पे लगा हुआ है और गाड़ी लोडिंग भी चालू हो चुका है, देख सकते हैं ये मेरा गाड़ी लगा हुआ है। बच्चा लोग खाने वाला कुरकुरे वगैरह जो होता है वही होता है, तो वही सब हम लोग को वही सब ज़्यादा ही माल मिलता है, वही सब भर रहा अभी, शाम तक हो जाएगा लोड, लेट होगा लेकिन शाम तक लोड हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लानिंग है हमारा कि संबलपुर होकर निकलने का, क्योंकि संबलपुर होकर ही हमको रास्ता, अभी लोकेशन देख रहे थे संबलपुर होकर ही हमको लोकेशन अच्छा लग रहा है कि नज़दीक भी पड़ेगा और क्या कहते हैं कि 4 लाइन ही मिलेगा पूरा, इधर रायगढ़ होकर जाएंगे तो बहुत गियर में गाड़ी चलना पड़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों अभी लोड कराते हैं। दोस्तों हमारा गाड़ी तो लोडिंग हो रहा है और इसी बीच में हमारे सब्सक्राइबर भाई भी आए हैं, और ये भी रामगढ़ से ही है, और इनके वाइफ है नमस्ते जी, और बहुत अच्छा लगा, और मतलब आप लोग खास रामगढ़ से ही है ना, भुरकुंडा से खास है हम, लेकिन अभी रहना इधर ही, रामगढ़ में पढ़ाई हुआ है, मतलब वहाँ रामगढ़ 20 साल से महासमुंद में, 15 साल से हूं। कितना साल से ब्लॉग देख रहे हैं मेरा आपका, जब से कोविड हुआ मेरे 2.5 साल तो हो गया होगा। नया नया आपका ब्लॉग जब था करीब, जब तक आपका ब्लॉग देखते नहीं इनका दिन का शुरुआत नहीं होता है, और सेम हमको भी हो गया, कभी कभी हम लड़ते हैं कि आप पहले क्यों देख ले, साथ में बैठ के देखेंगे। इनका लड़का भी साथ में है, देखिए ब्लॉग ब्लॉग, वो एक्चुअली स्पेशल चाइल्ड है, उसको ऑटिज्म है जी। हेलो हेलो सागर भैया, हेलो। दोस्तों ये इनका लड़का है, ये स्पेशल चाइल्ड है, और ये आप स्कूल में भी ये कराते हैं ना, सिखाते हैं? एक्चुअली मैं भी स्पेशल इन्हीं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको ट्रेनिंग देती हूँ, थेरेपी करवाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तो और भी बच्चा आपके बच्चे के साथ, मेरे और भी बच्चे हैं, उनका पहले एनालिसिस होता है, फिर उन बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है कि उनको ऑटिज्म है या फिर कुछ और डिजीज है, जैसे इसमें मेंटली डैमेज आते हैं। अभी तो 22 हो गया है, हाँ ये रायपुर में है, मैं घर से भी करती हूँ, ऑनलाइन भी काम करती हूँ मैं, ये तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, बाकी और जो भी बच्चे उनका हेल्प हो जाए, जो पे नहीं कर सकते उनके लिए साथ भी काम करती हूँ, तो बहुत खुशी मिलती है इनके साथ काम करके। और मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, यही कारण है कि आज हम उससे मिलने आए हैं, ये हर दिन सुबह आपका ब्लॉग देखता है। चलो रांची, रांची चले जाएंगे बेसिकली, रांची से है ना भैया, इसीलिए प्रणाम करो, नहीं 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 ठीक है, प्रणाम करो, बड़ा होचे ठीक है, ये ओनली 14 इयर्स का है, 14 साल का एक्चुअली। दोस्तों शाम हो चुका है और इतना भी लोड हुआ, अभी मेरे ख्याल से कितना छल्ली आएगा, और अभी और एक छल्ली आएगा, एक छल्ली और ठीक, चलिए एक छल्ली पूरा फाइनल हो जाएगा,
कागज में लेट नहीं ना होता है ना? लेट नहीं। चलिए ठीक है, जल्दी निकाल दीजिए, अब शाम भी हो चुका है और भी हमारे तो भाई लोग महासमुंद से आए ना, तो महासमुंद से मिले आए। अब देख सकते हैं शाम होने वाला है, सूरज भी ढलने वाला है, उसी से हम सोच रहे कि यहाँ से उन्हें लोड उड करके जल्दी निकल भी जाएंगे, हालांकि ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं फिर यहाँ से। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत दूर से तुम लोग आए मिलने यार। दोस्तों अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और आप जाके हमारा गाड़ी लोड हो गया और ये लोग सील भी लगा दिए हैं, तो अभी तो बाहर निकलना नहीं है, गाड़ी को बस बोले यहाँ साइड में करके लगा देने के लिए साइड में, और उसके बाद फिर जब हम लोग को कागज मिलेगा फिर निकल जाएंगे। दोस्तों गाड़ी पॉइंट से निकाल लगा दिए गेट के पास में, सामने गेट है तो कागज मेरा बन रहा है, तो उधर तो साइड पड़ जा रहा, अंधेरा पड़ जाए तो यहाँ बोले लगा दीजिए ऑफिस के पास में, और ज्यादा नहीं 10-15 मिनट में कागज बन जाएगा हमको। अब सेठ जी मेरा एडवांस वगैरह देंगे डीजल डालने के लिए, फिर ऐसा हम निकल जाएंगे हम लोग। अभी मेरा उतना डीजल है जो हम कुछ सफर काट सकते हैं, अभी हम समलपुर होके ही जाएंगे, तो ठीक है अगर आज नहीं डालते तो कल सुबह डाल देंगे वो, तो यहाँ से हम लोग समलपुर जा सकते हैं अभी। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है और हम लोग निकल चुके हैं और हमारा कागज मिल गया, और हम लोग मतलब समलपुर होते हुए, राहुल किला होते हुए, खुटी होते हुए रांची निकलेंगे हम लोग, क्योंकि यही रोड हम लोग का चला, उस रोड पे तो हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह गर्दा था, तो अपने तो रांची जाना है। अरे हम लोग बहुत ही रायपुर से करीब 50-60 किलोमीटर इस रोड पे आ चुके थे, समलपुर रोड पे, तो हम लोग यही नज़दीक लग रहा लोकेशन में, तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं अभी हम लोग, देखते हैं कल नहीं तो परसों लोग रांची पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों वहाँ चलने के बाद हम लोग रुके हैं पिथौरा पार करके, यहाँ से सरायपाली भी आगे है तो बॉर्डर आ जाता है सरायपाली, तो हम लोग अभी पैसा भी अकाउंट में आया नहीं है अभी, तो आएगा तो डीजल डालेंगे हम लोग, फिर तब तक यहाँ होटल पर आके खाना वाना खाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर खाना खा के यहीं पे अगर पैसा डाल देता है तो फिर निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डीजल सस्ता है। दोस्तों हम शुरू से जब डाला गाड़ी चलाते थे तो उस समय सिस्टम क्या था कि आपको यहाँ पर लोड करना है और जहाँ खाली करना वहाँ पूरा नगद पैसा मिलता था, पहले का सिस्टम था ये, लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया है कि आपको यही मिलेगा जहाँ से लोड करते हैं वहीं मिलेगा, वहीं का ट्रांसपोर्टर देगा आपको, तो उसमें क्या है कि एडवांस और वापसी होता है, जो हमको कम से कम 80-90% हमको यही मिल जाएगा, अब बाकी आप जब रिसीविंग हम उसको भेजेंगे वापसी तो बाकी का जो बचा हुआ मिलेगा, तो ये सब सेठ लोगों का काम है, हम लोग को तो सिर्फ डीजल का खर्चा मिल जाए, रास्ता खर्चा मिल जाता है, सेठ जी देते हैं हम निकल जाते हैं, तो यही सब जब से हम देख रहे हैं कि हमारा वो भी गाड़ी चला रहे थे, रायपुर का भी गाड़ी देखे थे चला रहे थे, तो उसमें भी यही सिस्टम था, तो आप आजकल तो गाड़ी में पैसा रहता नहीं है, फास्टैग हो गया पुल टैक्स के लिए, रात रोटी खर्चा के लिए 2-4 हज़ार रह गया, तो गाड़ी में पैसा उसे भी रहता नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। चलो चलिए ये चीज़ बहुत अच्छा है कि ड्राइवर लोग के लिए आराम है, हम भी पहले चलाते थे तो टेंशन रहता था गाड़ी में पैसा है तो इधर छिपा रखो उधर छिपा दो, एरिया ठीक नहीं है अभी पार नहीं करना है सुबह पार करना है, जब मालिक के यहाँ पहुँच जाते थे हम लोग, उस समय मोबाइल वगैरह भी नहीं था, मोबाइल जब सेठ के यहाँ पहुँच जाते थे तो सेठ जी लोग तस्वीर, हाँ भाई पहुँच गया ड्राइवर मेरा, तो ठीक है दोस्तों अब जा रहे हैं खाना खाते हैं यहाँ होटल से खाना खा के आते हैं। दोस्तों देखिए हमारा आज का खाना हो रहा रात का गाजर मटर बाद वो काफ़ी दिन बाद हमको मिला, ये सीजनी सब्जी है, अभी सीजन भी ख़त्म होने वाला है इसका। दोस्तों खाना खा के आ गए अभी हम लोग और हम लोग सोने की तैयारी में है, देख सकते हैं पूरा पर्दा लग गया, सब सो रहे हैं अभी हम लोग, और सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग उड़ीसा वगैरह पूरा पार करेंगे, और उम्मीद है कल हम लोग झारखंड में इन कर जाएंगे रात में। दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा झारखंड का सफर, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।